में आपका स्वागत है और मैं जोनी कुमार, मेरे साथ आप पढ़ रहे थे 10th क्लास फिजिक्स में गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में आज हमारा जो टॉपिक है वो है चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन हमें पढ़नी है। तो साइन कन्वेंशन में क्या करना है कि हमें पता करना है कि कौन सी चीज यानी कौन सी आपको दूरी जो है वो पॉजिटिव लेनी है और कौन सी जो दूरी है वो निगेटिव लेनी है। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि जो सभी दूरियां हैं वो कहाँ से मेजर होती है, वो हमारी पोल से यानी ध्रुव से मेजर करी जाती है। तो बात करूंगा मैं पहले, ये आपका कोई कनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है आपका? अवतल यानी कॉनकेव। ठीक है, तो यहां पे देखो पी एफ और सी, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका था, एफ क्या होता है प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस, और सी क्या होता है आपका वक्रता केंद्र, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देखिए, जैसे कि हमें पता है कि जो अगर मान लीजिए मिरर है आपका कोई, तो यहां से जो ऊपर डिस्टेंस होगी वो भी आपकी पॉजिटिव होगी, ठीक है, और जो इसके यहां से राइट में होगी, राइट साइड में इधर की साइड हम मेजर करते हैं तो वो भी क्या होगी, सॉरी वो आपकी हाँ सॉरी पॉजिटिव होगी, और जो डाउनवर्ड होगी वो निगेटिव, और जो लेफ्ट में मेजर करेंगे वो आपकी निगेटिव होगी। ठीक है, जैसे कि हम अक्ष पढ़ते हैं वाई एक्स और एक्स एक्स में, अगर ये होता है इधर क्या होता है एक्स पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है वाई पॉजिटिव, यहाँ पे वाई निगेटिव और यहाँ पे एक्स निगेटिव। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होती है, पोल से जो हम राइट में मेजर करते हैं वो ऑलवेज सभी जो डिस्टेंस होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, और जो पोल से क्या करते हैं लेफ्ट में मेजर होती है यानी इसकी साइड, वो हमारी सभी क्या होंगी, निगेटिव होंगी। यानी ठीक है, जैसे कि अगर बात करें यहाँ से पोल से फोकस तक की जो दूरी होती है क्या होती है, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, तो वो एफ देखो इधर की मेजर कर रहे हैं, तो यानी कनकेव मिरर के लिए जो फोकस लेंथ होगी वो कैसी होगी, निगेटिव होगी, कैसी होगी, माइनस होगी यानी निगेटिव होगी। तो ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, ये भी इधर की साइड है, तो दैट मीन्स क्या होगा आपका जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी क्या होगी, निगेटिव होगी। चले अब बात करते हैं कि जैसे अगर ऑब्जेक्ट की अगर हम ऊपर रखते हैं, यानी ऊपर की साइड जो अभी हम डिस्टेंस लेंगे वो भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और डाउनवर्ड जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगर बात करें ऐसे ही उत्तल दर्पण के लिए यानी कॉनवेक्स के लिए, ठीक है, तो कॉनवेक्स में देखिए यहां पे पी एफ और सी, पी एफ और सी यानी यहां से इधर की जो डिस्टेंस होगी वो सभी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, और इधर क्या होंगी, निगेटिव। और सिमिलरली अपवर्ड जो हम डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव होंगी और डाउनवर्ड जो लेंगे वो निगेटिव होंगी। अब बात करें कि मिरर में सभी के लिए जो मैं टेबल आपको बनाता हूँ कि कौन कौन सी डिस्टेंस इसमें हमें क्या लेनी है, क्वेश्चन जब भी आएगा, ठीक है, तो हम ऑलवेज मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु की दूरी है, यानी वस्तु को हमेशा क्या रखते हैं, फ्रंट में रखते हैं मिरर के, कहाँ रखते हैं, फ्रंट में रखते हैं, या फिर कह सकते हैं मिरर की लेफ्ट साइड में हम सपोज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करता हूँ जिसमें आपको दोनों मिरर के लिए सभी डिस्टेंस क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पहले तो करते हैं अवतल के लिए यानी कॉनकेव के लिए और फिर उत्तल के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ क्या होती है, स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ अब देखिए ये आपका कौन सा मिरर है, कॉनकेव यानी अवतल है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इसके फ्रंट पे रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो फोकल लेंथ देखो इधर की साइड है यानी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है तो फोकस क्या होगी यहाँ पे, ये नेगेटिव होगी, यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अब बात करेंगे यहाँ से पोल से सेंटर तक की यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो ये भी लेफ्ट में है तो ये भी कैसी होगी, नेगेटिव, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसी होती है इसकी, नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये आपका ए और बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अगर हम हमेशा क्या रखते हैं, मिरर के फ्रंट में रखते हैं, और पोल से जो हमारा ये पोल है, पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी होती है वो होती है स्मॉल यू, क्या होती है, स्मॉल यू, तो स्मॉल यू ऑलवेज देखो हम फ्रंट में रखते हैं तो ऑलवेज क्या होगी, ये भी निगेटिव होगी। अब बात करते हैं इमेज, यानी इमेज कहाँ बनती है, इमेज जो होती है यानी पोल टू जहां पे हमारी प्रतिबिंब बनता है जिस पॉइंट पर, मान लीजिए अगर यहाँ पे बनता है तो पोल से जो डिस्टेंस होगी ये, ठीक है, आपकी वी क्या होगी,
वी, यानी वी क्या होती है, पोल से यानी ध्रुव से आपकी प्रतिबिंब की स्थिति। मान लीजिए मैं अगर आप एक डायग्राम बनाता हूँ एक किसी अवतल में, रे डायग्राम पी एफ सी, मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कहाँ है अभी, सी और इन्फिनिटी के बीच है। तो यहाँ से क्या होंगे, पैरेलल रेज फोकस से होकर जाएंगी और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी, या फिर कह सकते हैं जो फोकस से जाएगी वो पैरेलली रिफ्लेक्ट होंगी, और जिस पॉइंट पे वो कट करेगी वहीं पे क्या बनेगी आपकी इमेज, यानी ए डैश बी डैश क्या होगी, इमेज। तो यहाँ से ये डायग्राम बनाने का जो उद्देश्य है वो आपको सभी डिस्टेंस समझाना है। तो देखो पी से एफ तक की जो दूरी है वो है फोकस दूरी, तो ये भी क्या है लेफ्ट में है, लेफ्ट में क्या होती है माइनस, तो ये भी माइनस होगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो यहां तक की जो डिस्टेंस होगी यानी पी टू सी, ये डिस्टेंस होगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी लेफ्ट में है, तो ये भी क्या होगी नेगेटिव होगी। अब जो यू होता है, यू क्या होता है, ये होती है यहां से जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है यू, तो यू भी लेफ्ट में है, तो ये भी कैसा हो जाएगा निगेटिव। अब बात करें यहां पर वी, तो वी पी और यानी P2 जो आपका ऑब्जेक्ट यानी इमेज बनी है, इमेज तक की जो दूरी होती है वो होती है वी। अब देखें लेकिन यहाँ पर एक आएगा आपका कि लास्ट में हमारे देखो दो हमने पढ़ा था, इससे रियल इमेज भी बनी थी और वर्चुअल भी बनती थी, तो पांच केस में तो क्या बनती है रियल बनती है, लेकिन एक लास्ट का जो होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है पी यानी बिटवीन होता है पी और एफ के, पी और एफ के बीच होता है, तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल हमेशा कहाँ बनती है दर्पण के पीछे बनेगी। तो यहां से जब हम डिस्टेंस लेंगे v तो वो कंडीशन में क्या आ जाएगी निगेटिव, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव, सो या फिर कह सकते हैं निगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। तो निगेटिव कब होगी, जब u की वैल्यू जो आपकी होगी वो ग्रेटर देन f होगी, या ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू f होगी, यानी या तो वो f से बड़ी हो या f के इक्वल हो, तब आपकी v क्या होगी निगेटिव होगी। निगेटिव क्यों होगी, क्योंकि इमेज क्या बनेगी आपकी लेफ्ट में बनेगी यानी रियल इमेज बनेगी। अब बात करें पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव यानी जब p और f के बीच रखी हो, किसके बीच रखी हो p f के, यानी इसका मतलब जो u की वैल्यू हो ऑब्जेक्ट जो हो वो क्या रखा हो f से कम डिस्टेंस पर रखा हो, यानी एफ से फोकस दूरी से क्या हो उसकी दूरी कम हो, यानी फोकस और जो है ध्रुव उसके बीच में वो स्थित हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो होगा हमारा यू बी क्या होगा पॉजिटिव होगा, बी क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब यहां से बात करते हैं मैग्नीफिकेशन, यानी मैग्नीफिकेशन होता है स्मॉल एम, जिसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि मैग्नीफिकेशन होता क्या है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है आपका देखो, चलिए मैग्नीफिकेशन को मैं कर देता हूँ, तो उसके जो फॉर्मूले है एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू और माइनस वी अपॉन यू और आई अपॉन ओ, मिरर के लिए फॉर्मूले होते हैं, एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ पे वी की जब वैल्यू रखता हूँ मैं निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन मिलती है मुझे निगेटिव, और जब मैं यू की वैल्यू वी की वैल्यू पॉजिटिव रखता हूँ और यू की निगेटिव रखता हूँ तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन मिलता है पॉजिटिव। तो यहाँ से मुझे पता लगता है कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक अगर प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक है तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव होती है, अगर आपका आभासी है तो मैग्नीफिकेशन आपकी पॉजिटिव होती है। अब बात करें यहां से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे लेते हैं, ऑब्जेक्ट को हम मानते हैं कि ऑलवेज क्या आता है वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या लगते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो यहां से ऊपर की ओर क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर आपकी इमेज देखिए कैसी बनती है वास्तविक, यानी वास्तविक हमेशा कैसी होती है उल्टी, तो उस कंडीशन में आई निगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी आभासी है तो इस कंडीशन में कैसा होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कैसा बनता है सीधा बनता है। अब बात करें नेक्स्ट उत्तल में, तो उत्तल दर्पण के लिए ही सेम रे डायग्राम बनाते हैं एक और फिर इसको क्लियर करते हैं। ये आपका कोई उत्तल दर्पण है जिसका ये पोल पी और ये क्या है एक्स एक्स डैश जो आपकी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है,
और यहाँ पे ये प्रिंसिपल फोकस एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। आप देखते हैं कि हम मान लीजिए मैं इन्फिनिटी का ही बना देता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पे होगा तो वो क्या क्या करता है, मुझे लगता है कि वो कहाँ से डाइवर्ज हो रही है कि फोकस से डाइवर्ज होंगी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो इन्फिनिटी पे होगा और यहाँ पे क्या है फोकस पे होगा। अब इस कंडीशन में देखें, मान लीजिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी है यानी लेफ्ट में है, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्यों, ठीक है, माइनस का क्यों होगा, क्योंकि लेफ्ट में है। अब बात करें रेडियस ऑफ, सॉरी ये हम U की वैल्यू बात कर रहे थे लेकिन हमने F में लिख दिया था, तो U क्या होगा आपका निगेटिव। अब बात करें F, तो P टू F जो है ये क्या है राइट में है, तो राइट में है तो दैट मीन्स क्या होगा पॉजिटिव, यानी फोकस जो लेंथ होगी वो क्या होगी पॉजिटिव। अब बात करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी राइट में है, ठीक है, तो राइट है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसी होगी आपकी पॉजिटिव होगी, कैसी होगी पॉजिटिव। अब बात करेंगे वी, अब देखो वी जो इमेज बन रही है वो भी यहाँ पे है, यानी दैट मीन्स वी ये है पोल टू एफ, यानी ध्रुव से फोकस तक की ये जो लेंथ है इस कंडीशन में ये क्या है यहाँ पर इमेज बन रही है फोकस पर, तो ये वैल्यू होगी वी, तो वी भी लेफ्ट में है तो वी भी क्या होगी पॉजिटिव होगी, वी क्या होगी पॉजिटिव। और हमें पता है कि उत्तल दर्पण जो है कन्वेक्स जो मिरर है उससे हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है आभासी यानी वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल बनता है तो मैग्निफिकेशन हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव होती है। अब बात करें ओ की, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेते हैं ऊपर लेते हैं, तो दैट मीन्स ये किसका होगा प्लस का होगा, लेकिन जैसे कि हमने बताया था कि वास्तविक अगर प्रतिबिंब है तो हमेशा क्या बनता है वो उल्टा बनता है, उल्टा बनता है तो नीचे बनेगा यानी माइनस का होगा, लेकिन अगर हम बात करें आभासी प्रतिबिंब वो हमेशा सीधा बनता है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर ले रहा हूँ तो इमेज भी ऊपर ही बनेगी, तो इसका मतलब कैसी हो जाएगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, कैसी होगी पॉजिटिव। तो इसका मतलब इन साइन कन्वेंशन से हम न्यूमेरिकल में हमें बहुत हेल्प मिलेगी, इनको इसको अगर हम देख लें तो न्यूमेरिकली हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से क्या मेजर कर, देखिए यहाँ से एक चीज पता लग रहा है कि उत्तल दर्पण के लिए केवल क्या होता है यू की वैल्यू निगेटिव होती है और बाकी सभी क्या होती है पॉजिटिव होती है, क्या होती है पॉजिटिव। और बात करें कि अवतल में, अवतल में सिर्फ एक कंडीशन में यानी वो जो पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट हो उस कंडीशन के लिए क्या होता है आपका वी पॉजिटिव होता है, एम पॉजिटिव होता है, ठीक है, और आई पॉजिटिव होता है, बाकी सभी कंडीशन के लिए सभी वैल्यूज क्या होती है निगेटिव होती है, क्या होती है निगेटिव होती है ओनली ऑब्जेक्ट को छोड़ के, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे एक टॉपिक आया था एक मैग्निफिकेशन का यानी रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ते हैं ये होता क्या है, ठीक है, जबकि देखो टेंथ बेस पे आपको इसकी डेरिवेशन नहीं पढ़नी है, टेंथ बेस पे ओनली आपको ये फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। तो यानी रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है, मैग्निफाई बढ़ाना, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मैग्निफिकेशन क्या बताता है, यहाँ पर ये बताता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट्स के कंपेयर में कितनी बड़ी है या छोटी है, यानी मैग्निफिकेशन का काम क्या है यहाँ पे, तो मैग्निफिकेशन का काम है कि एक तो ये किसी वस्तु का वास्तविक साइज बढ़ाए बिना, ठीक है, तो उसके आकार में क्या कर देता है परिवर्तन कर, यानी उसके प्रतिबिंब में वो वस्तु हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है या फिर छोटी भी हो सकती है वर्चुअलिज्म या फिर रियल में जैसे अवतल में हम करें वो कम भी हो सकती है, यानी वस्तु से छोटा भी बनता है प्रतिबिंब। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का जो अर्थ है वो क्या है, मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि वस्तु कितनी, सॉरी प्रतिबिंब वस्तु के कितने छोटा बन रहा है या वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे जो रेखीय आवर्धन होगा यानी एम ये होगा हाइट ऑफ इमेज, रेखीय आवर्धन यानी आई इज इक्वल टू एम इक्वल टू आई अपॉन ओ, आई क्या होती है यहाँ पे आई होती है हाइट ऑफ इमेज और यहाँ पे ओ क्या होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे आई होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और ओ क्या होता है वस्तु की ऊंचाई। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि मैग्निफिकेशन जो बताता है यानी आवर्धन जो बताती है वो ये बताती है कि वस्तु के कंपेयर में जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई कितने गुना है, ठीक है, यानी वस्तु के कंपेयर में
जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई कितने गुना है, ये हमें कौन बताता है? रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन का अगर मैं दूसरा फॉर्मूला बताऊं तो m इज इक्वल टू होता है दर्पण के लिए माइनस वी अपॉन यू, यानी माइनस वी क्या आती है? ध्रुव से प्रतिबिंब की स्थिति, और यहां पे u क्या आता है? ध्रुव से वस्तु की स्थिति, दूर से वस्तु की स्थिति। या फिर हम यहां से एक डेफिनेशन अगर मैग्निफिकेशन के लिए दें तो वो क्या हो सकती है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई के साथ वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब बात करें नेक्स्ट, वो है हमारा दर्पण सूत्र यानी मिरर का फॉर्मूला। दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला नेक्स्ट टॉपिक है, दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल हमें करने हैं, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है ये। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से आपका लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो इसलिए फॉर्मूला आता है 1 upon v plus 1 upon u। f यहां पे क्या होती है? फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। ठीक है, v क्या होता है? अभी जैसे कि हमने बताया था कि ध्रुव से प्रतिबिंब की स्थिति की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ इमेज, और u क्या होता है? ध्रुव से वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर जो 1 upon f = 1 upon v plus 1 upon u, तो ये पूरा जो फॉर्मूला है ये हमारा क्या कहलाता है? मिरर फॉर्मूला या फिर दर्पण सूत्र, जहां पे f क्या है? आपकी फोकल लेंथ है, v क्या है? आपकी प्रतिबिंब की स्थिति या फिर पोजीशन ऑफ इमेज है, u क्या है? आपकी वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरह अगर इन्हीं चिन्ह परिपाटी का यूज हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे, जब मैं आपके साथ क्या आऊंगा, मिरर फॉर्मूला का यूज दिखाऊंगा, यानी मिरर के जो न्यूमेरिकल हैं उनके साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग नित्यम क्लास। धन्यवाद।